सब्जेक्टिव शीट नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 1 एक लैम्प है, ये क्वेश्चन के अंदर ना ये गलत लिखा हुआ है, बस व्हाट इज द रेजिस्टेंस आएगा पहले तो, और ये चाहिए नहीं मुझे, पर आपको पी पता है, वी पता है, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, वी पता है, पी पता है, रेजिस्टेंस आ गई, बात खत्म। पहला क्वेश्चन है 60 वॉट 220 वोल्ट बल्ब, तो मैंने अलग से बना लिया 60 एंड 220 ताकि मैं रेजिस्टेंस निकाल सकूं, आर वन की वैल्यू आ गई। दूसरा बल्ब है 100 एंड 220 ताकि मैं आर टू निकाल सकूं, किस में लगा दिया, सीरीज में, आर वन आर टू सीरीज में लगा दिया। विच बल्ब विल डिसिपेट मोर पावर, जिसकी वोल्टेज कम है सीरीज में उसकी पावर ज़्यादा आएगी, तो ऑब्वियसली 60 वॉट की पावर ज़्यादा है और आंसर दे सकते हैं, और कौन ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, 60 वॉट ज़्यादा ब्राइट फ्लो करेगा, सेम आंसर है। हाँ तो नहीं जरूरत, ऑब्जेक्टिव में जरूरत ही नहीं, पर अगर कोई ये पूछे नहीं पावर निकालो, फिर मेरे को आई निकालना पड़ेगा, आई स्क्वायर आर वन आई स्क्वायर आर टू से नई पावर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, पर अगर ऑब्जेक्टिव आया तो 60 वॉट इज द आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक हीटर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब आर रेटेड, तो ये हीटर है ये बल्ब है, सीरीज में कनेक्ट किया गया, पावर हीटर की और इलेक्ट्रिक बल्ब की क्या है ये सॉल्व करो। आप कहोगे सर पावर, पावर तो गिवन है 500 वॉट 100 वॉट, वो तो इंडिविजुअल पावर है, जब ये सीरीज में लग जाएंगे तो पावर नहीं आ जाएगी, तो नई पावर निकालो क्या होगी, चेक करो, पहले रेजिस्टेंस निकालो आर वन आर टू, आई स्क्वायर आर वन आई स्क्वायर आर टू, चेक करो एक बार खुद से ट्राई करो, तो पहले आप इसमें रेजिस्टेंस निकालो फिर नई पावर चेक करो। तो इसके अंदर R1 R2 आ गया सीरीज में, R1 R2 यहाँ से निकालना पड़ेगा 100 एंड 500 वॉट से, फिर यहाँ से करंट आ गया 220 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो करंट की वैल्यू क्या आ रही है 0.38, फिर इसकी पावर क्या आएगी 0.38 इंटू R1, और इसकी पावर क्या होगी 0.38 आई स्क्वायर R2, आई स्क्वायर R1 आई स्क्वायर R2 निकाल लेना। मेथड क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट है पावर लाइन ऑफ रेजिस्टेंस गिवन, करंट गिवन, व्हाट इज एनर्जी लॉस पर डे, तो आए पता है आर पता है, एक दिन में एनर्जी लॉस निकालना है तो वन डे में सेकंड्स पता है, तो हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी से आंसर आ जाएगा, इतने जूल का एनर्जी लॉस है, जूल्स हीटिंग, आई स्क्वायर आर टी की वैल्यू निकालनी है बस, दस है और कुछ ही करना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड 100 वॉट 220 वोल्ट, अगर पावर वोल्ट जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट हो जाए तो हीट एनर्जी 10 मिनट में क्या लॉस होगी, ये वैल्यू इसलिए गिवन है ताकि आप रेजिस्टेंस निकाल सकें, तो इस रेटिंग से आप रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, अब हीट निकाल लेंगे वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, लेकिन उसने वोल्टेज 200 की बजाय क्या लेने को बोला 100, तो 100 स्क्वायर बाई आर इंटू टी आंसर, तो समझ में आ रहा है, तो पहले 200 वोल्ट इसलिए गिवन है ताकि आप आर निकाल सकें, उस आर को आप यहां पे यूज कर सकें वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी में, कोई डाउट इसमें, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक,
ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपको इसमें 12 वोल्ट की बैटरी गिवन है, रेजिस्टेंसेस गिवन है, आपको इसमें 5 मिनट में हीट लॉस बताने क्या होगा। कई तरीके हैं, अगर आप हर ब्रांच में करंट निकाल दें तो आई स्क्वेयर आर वन टी, आई स्क्वेयर आर टू, जो भी करंट आई स्क्वेयर आर टी, आई स्क्वेयर आर टी आंसर आ जाएगा। अगर आप करंट ना निकाल पाएँ, आप वी तो निकाल ही सकते हैं, तो अगर आपने इनका वी भी निकाल दिया तो वी स्क्वायर बाई आर इन टू टी, वी स्क्वायर बाई आर इन टू टी, वी स्क्वायर बाई आर इन टू टी से भी आंसर आ जाएगा। तो मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है। तो एक नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपको हर ब्रांच में क्या निकालना है, करंट निकालना है, फिर आई स्क्वायर आर टी लगा लगा के सब में हीट एनर्जी निकाल दें, कर लेंगे सॉल्व, ये ठीक हो जाएगा। इसकी जगह आप ये क्वेश्चन करें, इलेक्ट्रिक केटल वाला क्वेश्चन कई बार मेंस नीट में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैटल हैज टू कॉइल्स, इलेक्ट्रिक कैटल पानी गर्म करती है, उसमें दो कॉइल्स हैं। अब देखो अगर इंडक्शन के अंदर भी 500 वाट पे पानी गर्म करना है, 1000 पे करना है, 2000 पे, तो कैटल अंदर कॉइल्स ऑन हो जाती हैं। तो ना इलेक्ट्रिक कैटल की दो कॉइल्स हैं, जब पहली कॉइल को ऑन करते हैं पानी को गर्म करने के लिए, तो पानी 5 मिनट में गर्म हो जाता है। अगर दूसरी कॉइल को ऑन करते हैं, पहली को नहीं ऑन करते, तो पानी 10 मिनट में गर्म हो जाता है। और अगर दोनों कॉइल को ऑन करें तो पानी कितनी देर में गर्म होगा, ये क्वेश्चन है। पानी को लेना देना नहीं है, कितनी कॉइल इसको गर्म कर रही है। तो केस नंबर वन में हीट हर केस में विल रिमेन सेम। अगर मान लो पानी को उबलने के लिए क्यू हीट चाहिए, तो क्यू ही चाहिए हर केस में। तुम चाहे R1 से करो, चाहे R2 से करो, चाहे किससे भी करो, तो पहली कॉइल का रेजिस्टेंस अगर R1 है, तो वी स्क्वायर बाई आर इन टू 5 मिनट, वी स्क्वायर बाई आर पावर इन टू टाइम 5 मिनट, तो ये इक्वेशन बनती है। तो यहाँ से R1 निकाल लो। दूसरी कैटल जब ऑन, जब दूसरी कॉइल ऑन होगी, तो R1 की जगह R2 हो जाएगा और टाइम 10 मिनट हो जाएगा, हीट तो वही रहेगी और बिजली का स्विच भी वही है 20 वोल्ट का, तो यहाँ से R2 आ गया। तीसरे केस में हीट वही रहेगी, लेकिन दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, R1 प्लस R2, और टी टाइम में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम आ गया। R1 की जगह ये वैल्यू, R2 की जगह ये वैल्यू पुट करके आंसर 900 सेकेंड आ गया। चेक कर लो, कट जाएगा क्यू से क्यू, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर। 900 सेकेंड कितने मिनट होते हैं, 15 मिनट, तो आपको ऐसा फील नहीं होना, एक शॉर्टकट सा बन गया। पहली कॉयल अगर ऑन करें तो 5 मिनट, दूसरी से पानी गर्म करें तो 10 मिनट, दोनों से सीरीज में करें तो 15 मिनट। तो लिखो शॉर्टकट फॉर्मूला रजिस्टर में कि अगर कॉयल वाला क्वेश्चन आता है, तो अगर T1 टाइम है फर्स्ट कॉइल के साथ, T2 टाइम है सेकेंड कॉइल के साथ, तो टोटल टाइम ये फॉर्मूला लगा देना सीरीज में और ये फॉर्मूला लगा देना पैरेलल में। ये लिख लो फॉर्मूला, सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला नोट कर लो। आज के बाद न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, सीधा शॉर्टकट मारने के आंसर आएगा। ठीक है यहां तक।
क्या है पॉइंट? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट इजी कुछ नहीं करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड सोर्स ऑफ ईएमएफ कंज्यूम्स 20 वॉट. तो पावर 20 वॉट है सीरीज में कनेक्ट करने के बाद, और पैरेलल के बाद पावर क्या होगी ये बताओ. तो अगर मान लो सीरीज में, तो पावर इफेक्टिव क्या है? वी स्क्वायर बाय आर एस. सीरीज में क्या होगा? 3R. वी स्क्वायर बाय आर की रेशियो आ गई. सेम क्वेश्चन में पावर निकालनी है पैरेलल में, आर 3R की जगह आर बाई 3. तो 3 इंटू वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर हम निकाल चुके हैं 60 इंटू 3 क्या हो गया? 180. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? सीरीज में गिवन है और पैरेलल में पावर कैसे निकलेगी? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं आएगा, स्कूल में नहीं आएगा, कंपटीशन में आ सकता है बस, क्योंकि एमसी डेल्टा टी यूज हो रहा है ना इसलिए. एक कॉपर केटल है 1 kg की, ये लो, ये कॉपर की बनी हुई केटल है 1 kg की. इसके अंदर वाटर है 900 ग्राम पानी है, वाटर है. दोनों का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है. आपने टेम्परेचर 100 करना है, ठीक. ये 12 मिनट का प्रोसेस है. बिजली से एनर्जी देके इसको गर्म करना है. तो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी क्या है? वी इंटू आई इंटू टी. ये एनर्जी देके इसको गर्म करना है. तो इसका टेम्परेचर 20 से 100 करने के लिए कितनी हीट रिक्वायरमेंट है? एम सी डेल्टा टी फॉर कॉपर प्लस एम सी डेल्टा टी फॉर वाटर. ठीक है, कॉपर भी गर्म होगा, पानी भी गर्म होगा. कॉपर का टेम्परेचर भी 20 से 100 होगा, पानी का टेम्परेचर भी 20 से 100 होगा. सारी वैल्यूज पुट करके, स्पेसिफिक हीट पुट करके, कैलोरीज में इतना आंसर आ गया, और जूल में करने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया. तो हीट की वैल्यू जूल में ये आ गई, ठीक है, इतनी हीट चाहिए. अब प्रॉब्लम ये है, जब आप 210 वोल्ट की सप्लाई से हीट देते हो तो वी की वैल्यू 210, करंट आपको निकालना है, और 12 मिनट में ये पूरा प्रोसेस होता है. तो इतनी हीट देते हो, वो ये कहता है इतनी हीट में से 10% हीट खराब हो जाती है, बाकी पानी को मिल जाती है. तो इसका मतलब जो भी आप हीट देते हो V इंटू आई इंटू टी, इसका 10% तो गया, बचा कितना? 90%. तो इसका 90% जो भी करोगे, इसका 90% जो भी करोगे वो इसके इक्वल करना है, वहाँ से आया जाएगा. तो समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो आधा तो ये क्वेश्चन कैलोरीमेट्री का हो गया, और आधा ये एनर्जी का, हीट एनर्जी का हो गया. पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो V इंटू आई इंटू टी का 90% इसमें कन्वर्ट कर देना, ठीक है यहाँ तक? मतलब ये तो निकल ही गया, ये निकल गया. हीट एनर्जी V इंटू आई इंटू टी है, इसका 90% इसको देना है, इसके इक्वल कर देना आंसर. नेक्स्ट.
केटल में कितनी देर में, 15 मिनट में। इफ लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज डिक्रीज टू 2/3 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ कम करने से रेजिस्टेंस कम हो गई, तो रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 2/3 ऑफ आर हो गई। तो फाइंड द टाइम इन विच सेम अमाउंट ऑफ वाटर विल बॉयल व्हेन केटल इज कनेक्टेड टू सेम सप्लाई। तो पहले रेजिस्टेंस क्या थी, आर, तो हीट रिक्वायर्ड क्या थी पानी को गर्म करने के लिए, क्यू, क्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर इंटू 15 मिनट। दूसरे केस में क्यू तो सेम ही रहेगा, पानी को तो फर्क पड़ता नहीं है, तो क्यू हीट लेगा, लेकिन वी स्क्वायर बाय 2R बाय 3 किया तो टाइम चेंज हो जाएगा। तो इन दोनों को इक्वेट करके टाइम की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड।